हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद अनुराग सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एस बी आई प्री का कट ऑफ आज बताने जा रहा हूँ, और SBI PO रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि SBI PO का वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैंक का काम तो चल ही रहा है, बैंक का काम तो कुछ रुका उका नहीं है, इसीलिए बैंक SBI PO की वैकेंसी ज़रूर आएगी। ये वैकेंसी जून या जुलाई में देखने को मिल सकती है, और इस वैकेंसी में कमी तो नहीं होगी, 2000 से प्लस ही रहेगा इसकी वैकेंसी, 2000 से ज़्यादा ही रहेगी। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ SBI प्री का रिज़ल्ट, जो SBI प्री के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसका रिज़ल्ट भी मई 3 के बाद जो है, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो प्री का रिज़ल्ट भी आगे बढ़ जाएगा। अगर लॉकडाउन थोड़ा रियायत मिल जाती है तो जो है प्री का रिज़ल्ट, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये 15 मई के बाद और जून 15 तक के बीच में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के 10-15 दिन बाद ही मेंस का पेपर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग रहें, घर पे रहें और बराबर पढ़ते रहें, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, RBI की नहीं आएगी, RBI की नहीं आएगी, RRB का नहीं आएगा। ये सब बहुत सारे क्या हैं, यूट्यूब बहुत सारे जो हैं, बहुत जगहों पे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी, और जितना आया था उतना ही आएगी, और वैकेंसी तो पक्का एकदम आएगी। और जैसा कि मैं SBI प्री का कटाव बता दूं कि SBI प्री का कटाव कितना जाए, मेरे हिसाब से SBI का कटाव जो है, SBI का कटाव 65 से लेके 70 के आसपास रहेगी, 65 से लेके 70 तक रहेगी जनरल की कट ऑफ, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना ही कट ऑफ रहेगा, इसी के बीच में रहेगा SBI क्लर्क फ्री का कट ऑफ, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।